यूपी में जल्द ही धर्म के नाम पर किए जा रहे अवैध कब्जे से मुक्त होगा। आपकी सड़क आम लोगों की सड़क पर धार्मिक स्थल बनाना पुराने दिनों की बात होगी और इस बाबत राज्य विधि आयोग अध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। धर्म के नाम पर नहीं हो पाएगा सरकारी जमीन पर कब्जा। अवैध अतिक्रमण करने वाले खाएंगे जेल की हवा। विधि आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपा ड्राफ्ट। विधानसभा के अगले सत्र में हो सकता है पेश। अतिक्रमण पर बनाए गए धार्मिक स्थल हटाने के लिए अब यूपी में कानून लेकर बीजेपी सरकार आएगी। जानकारी के मुताबिक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सरकार इस कानून को विधानसभा के अगले सत्र में पेश कर सकती है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने और ऐसे निर्माण को रोकने के लिए योगी सरकार एक कड़ा कानून बना सकती है। दरअसल इस संबंध में राज्य विधि आयोग ने एक ड्राफ्ट सौंपा है योगी सरकार को। माना जा रहा है कि उसका अध्ययन करने के बाद ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार एक कड़ा कानून बना सकती है। न्यायालय में पहले से ही इस तरीके के आदेश हैं कि जो अवैध धार्मिक स्थल हैं, जो बीच सड़क पर बने हैं या अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही संबंध में कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य विधि आयोग की रिपोर्ट में कई बिंदुओं का उल्लेख है, उस पर सरकार अध्ययन कर रही है और शीघ्र उस संबंध में हम आगे बढ़ेंगे। 10 दिन में हम इसका विस्तृत अध्ययन करके और एक प्रारूप तैयार करके मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। इस कानून में ये प्रावधान है कि सार्वजनिक जगह पर अगर धार्मिक स्थल बनाया गया तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है तो निश्चित रूप से वो पूरी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा और उसमें बताएगा कि कितने क्षेत्रफल में वो निर्माण करना चाहता है। भविष्य में अगर ये पाया जाता है कि इसका क्षेत्रफल अनधिकृत रूप से बढ़ाया गया है तो उस अवैध निर्माण को तोड़ा भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन को सड़कों पर और सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर इनकी सूची शासन को भेजने के लिए पहले ही कहा था। अब सरकार इसे कानूनी जामा पहनाने की तैयारी में है। अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।